इसके अंदर हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9 साइंस 10। सबसे पहले मिश्रण में आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ मिश्रण क्या होता है। दो विभिन्न पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, क्या है? दो विभिन्न पदार्थों का मिलना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दो पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने उस दिन भी जिक्र किया था पिछले लेक्चर में सीएनजी के बारे में, मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात है एलपीजी क्या होती है, दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होती है? जब ब्यूटेन को उच्च दाब पर संपीड़ित करके घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस को क्या है? बेटा जब ब्यूटेन जो होता है ना, एलिमेंट हमारा, उसको जो कुछ दाब पर संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित का मतलब कंप्रेस होता है, मतलब कि दबाना। ठीक है, जब ब्यूटेन को कुछ दाब पर संपीड़ित किया जाता है और उस दौरान जो गैस बनती है उसको एलपीजी गैस बोलते हैं, दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यह क्या काम आती है? यह घरों में खाना बनाने के काम आती है बेटा एलपीजी गैस। ठीक है, उसके बाद आती है सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो प्राकृतिक गैस होती है बेटा, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो प्राकृतिक गैस होती है, जब उसको उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, ठीक है, तब कौन सी गैस बनती है? प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस है जब उसको संपीड़ित किया जाएगा तो क्या बनेगी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह क्या काम आती है? यह वाहनों के अंदर काम आती है, जो व्हीकल चलते हैं, आपने देखा होगा सीएनजी गाड़ियां बहुत चलने लग गई, तो यही सीएनजी होती है। पंचतत्व के बारे में बेटा हम पढ़ चुके हैं, पंचतत्व पांच तत्व कौन से होते हैं? जो यूनानी दार्शनिक थे, बहुत सारे पीछे के जो प्राचीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ होता है वो पांच तत्वों में बटा हुआ होता है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण धर्म के बारे में क्या है बेटा? इसके बारे में पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, भौतिक और रासायनिक गुण धर्म। जो आज के जो प्रेजेंट डे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने पदार्थ को दो के अंदर विभाजित किया है, दो गुणधर्म के अंदर। कौन कौन से? भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म के अंदर कौन सा आएगा? उसके रासायनिक अभिक्रिया करने का गुणधर्म आता है। भौतिक गुणधर्म के अंदर उसकी जो शेप या आकार या जो जिस अमाउंट में वो विद्यमान है,
जिस प्रेजेंस प्रेजेंस के अंदर वो वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के अंदर ठोस, द्रव और गैस चीजें आती है, ठीक है। उसके बाद तो क्या होता है, घनत्व। घनत्व क्या होता है बेटा, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति आयतन को हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। उसके बाद आता है थर्मामीटर। तापमान को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या फिर जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। बेटा मरकरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है हमारे रूम टेम्परेचर के अंदर। उसके बाद आता है गलनांक। गलनांक क्या होता है, यह निश्चित तापमान है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बन जाता है। क्या है, ठोस से जब कोई चीज या कोई पदार्थ ठोस से द्रव एक निश्चित तापमान पर बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का गलनांक बोलते हैं। उसके बाद आता है संघनन। संघनन क्या होता है, गलने की प्रक्रिया, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो, जब इस ठोस से द्रव बन रहा है, जब ये ठोस गल के द्रव में परिवर्तित हो रहा है, इस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये संघनन ये हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, बेटा बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।